हेलो दोस्तों, आज मैं एक रियल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि मच्छर मारने वाले बैडमिंटन से ये मच्छर कैसे मरता है, और जब मच्छर ये मरता है तो चिड़चिड़ की आवाज क्यों करती है, और इस बैडमिंटन में सर्किट डायग्राम क्या किया जाता है जो कि इस तरह की फॉर्मेट निभाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चलिए जानते हैं। तो बैडमिंटन में मच्छर शॉर्ट सर्किट के कारण मरता है, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है कैसे है? तो बैडमिंटन में 3 लेयर बनाया जाता है, और बाहर के दोनों लेयर को नेगेटिव वायर से कनेक्ट किया जाता है और बीच वाले लेयर को पॉजिटिव वायर से कनेक्ट किया जाता है। जब आके मच्छर इसमें टकराता है तो मच्छर का शरीर जो है एक वायर की तरह काम करने लगता है, मतलब एक तार की तरह काम करने लगता है, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहने लगता है, और इतना ज्यादा करंट बहने लगता है कि ये ब्लास्ट मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कारण एक आवाज भी निकलता है, जिससे चिंगारी निकलता है और जल के मर जाता है। तो ये ब्लास्ट होता है तो इसका सर्किट क्या अंदर में, इसमें क्या सर्किट लगाया हुआ रहता है? तो इसके अंदर एक 9 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ रहता है, और इस एक सर्किट लगाया हुआ रहता है जो कि ये चार्ज भी करता है और 9 वोल्ट से हाई वोल्ट में बदलता है।